यस गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन टीसी टीएफसी एंड टीवीसी। आपको पता है टीसी इज द टोटल ऑफ टीएफसी एंड टीवीसी, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। टीएफसी रिमेंस कांस्टेंट, ये हमेशा कांस्टेंट होता है, और टीवीसी आपको मालूम है कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग है। लेकिन कैसे, पहले ये डिक्रीजिंग रेट पर इंक्रीज होता है, उसके बाद कांस्टेंट रेट पर, और उसके बाद इंक्रीजिंग रेट पर। तो जब हम इसका डायग्राम बनाते हैं तो आपको मालूम है, ये देखिए टीसी एंड टीवीसी बोथ आर पैरेलल, टीएफसी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और ये है टीवीसी कर्व जो हम बना चुके हैं ऑलरेडी, और ये है टीसी कर्व। टीसी और टीवीसी पैरेलल क्यों होते हैं, क्योंकि टीसी में टीएफसी और टीवीसी दोनों इंक्लूडेड होते हैं। तो जब हम टीवीसी में टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ऐड कर देते हैं, तो आपने देखा हमने सब वैल्यूज में टीवीसी की सारी वैल्यूज में 10 10 10 ही ऐड किया है, तो इसलिए एक फिक्स वैल्यू ऐड हो रही है सभी में, तो इसलिए ये क्या है, टीसी कर्व टीवीसी के पैरेलल होता है। इसके बाद आता है हमारा एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट क्या है, एवरेज कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ पर यूनिट ऑफ आउटपुट। एसी का फॉर्मूला आपके सामने, एसी इज इक्वल टू टीसी अपॉन क्यू, टोटल कॉस्ट को क्वांटिटी के साथ डिवाइड करने पर हमें एवरेज कॉस्ट मिलती है। या फिर हम दूसरा फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, एसी इज इक्वल टू एएफसी प्लस एबीसी। तो पहले हम एएफसी निकालते हैं, एएफसी इज इक्वल टू टीएफसी अपॉन क्यू, टीएफसी को क्वांटिटी से डिवाइड करके हमें एएफसी मिलता है। आपको पता है कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा कांस्टेंट होती है, इसलिए एएफसी टीएफसी को, क्योंकि हम डिवाइड करते जाते हैं और ये फिक्स्ड कॉस्ट है, तो इसलिए एएफसी लगातार कम होती चली जाएगी। आप देख रहे हैं ये एएफसी कर्व हमने बनाया जो इस टेबल के अकॉर्डिंग, तो ये कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग है। इसके बाद आता है एबीसी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। एबीसी इज इक्वल टू टीवीसी अपॉन क्यू, तो टीवीसी को डिवाइड करने पर एबीसी आता है। आप देखिए एबीसी पहले लगातार डिक्रीजिंग और उसके बाद इंक्रीजिंग है, इसलिए एबीसी कर्व पहले डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, तो ऑलमोस्ट यू शेप।